आज इस वीडियो में बनने वाला है हांडवो। ये एक ट्रेडिशनल गुजराती रेसिपी है जिसका टेस्ट खट्टा मीठा तीखा होता है और इसमें आप ढेर सारी सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, यानी कि ये हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम लेंगे एक कप चावल, ये नॉर्मल चावल है जो हम खिचड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, इसे हम बाउल में ले लेंगे। इसी के साथ हाफ कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल और 1/8 टीस्पून जितना मेथी। चावल और दाल को हम धो के सोक करेंगे। चावल और दाल को हमने धो लिया है, अब बारी आती है इसे भिगोने की। सोक करने के लिए हम इसमें डाल देंगे ढेर सारा पानी, जितनी दाल है उसका 4 times हम पानी डालेंगे। इसमें जितना चावल है उसके 4 times हम पानी डालेंगे। अब हमें इसे सोक होने के लिए रखना है 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे चावल और दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसे पीस कर बैटर बनाएंगे। 3 घंटा हो गया हमने चावल और दाल को भिगो के रखा था, दाल और चावल सोक हो के रेडी है, इसके अब ये पीसने के लिए तैयार है। अब हम दाल और चावल को पीस लेंगे। पहले हम दाल को पीसेंगे। इसे पीसने के लिए हम दाल को ले लेंगे एक मिक्सी के जार में और कोशिश करें कि दाल में पानी कम आए, क्योंकि हम दाल को छाछ डालकर पीसेंगे जिससे बैटर में नेचुरल खट्टापन आए। ये 1 दिन पुरानी ये साधारण खट्टी छाछ है और छाछ खट्टी होने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था जिससे ये ठंडा हो गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1/4 cup जितना और इसे पीस लेंगे। हमारी दाल पीस के रेडी है और एकदम अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। ये जब तक इसका टेक्सचर इस तरह से स्मूथ ना हो तब तक आपको पीसना है, ये बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में जिसमें हमें बैटर को फर्मेंट करना है। दाल पीसने के बाद आप इसे फेंट लें जिससे बैटर हल्का हो जाता है और जब हम इससे हांडवा ढोकला वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत हल्का बनता है। ये एरेशन करने से रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमने उड़द दाल डाला है और उड़द दाल जितना फेट तो वो हल्का होता है और जो फाइनल रेसिपी उससे बनती है वो बहुत अच्छी बनती है। हमें इसे 1 से 2 मिनट तक ही फेंटना है। दाल तो हमारे पीस के और फेंट के भी रेडी है, अब बारी आती है चावल को पीसने की। अब उसी मिक्सचर जार में हम चावल को ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम पानी आए। अब हम फिर से इसमें छाछ डालेंगे और छाछ वही है, खट्टी और थोड़ी सी ठंडी। चावल भी पीस के रेडी है, अब हम इसे मिला देंगे दाल वाले मिक्सचर में। अब हम इसे ढककर रख देंगे 7 से 8 घंटे तक, जब तक इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन ना हो जाए। फर्मेंट होने के बाद हम इससे हांडवा बनाएंगे और आप इसे ढोकला वगैरह भी बना सकती हो। जो ट्रेडिशनल गुजराती येलो कलर का ढोकला आता है वो भी बना सकते हो। बैटर को हमने फर्मेंट होने के लिए रखा था, ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गया है और इसमें बहुत अच्छी सी जाली पड़ी है। इस तरह से जो ये होल्स वगैरह जो दिख रहे हैं ये अच्छे फर्मेंटेशन की निशानी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें से आधा बैटर हम निकाल लेंगे एक बाउल में और इसमें डालेंगे 1/2 cup ग्रेट की हुई लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड, 1/2 cup ग्रेट किया हुआ गाजर। आप इसमें बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो, आपके घर में जो पसंद किया जाता है वो सारी सब्जियां डाल सकते हो। 2 tablespoon बॉयल्ड और चॉप कॉर्न, 6
6 कली लहसुन और 1/2 इंच टुकड़ा अदरक का, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया है, या फिर आप कह सकते हो 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1.5 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, इसे मैंने बनाया है 4 हरी मिर्च को पीस के, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, क्योंकि हमने बैटर बनाते समय खट्टी छास यूज की है जिससे बैटर खट्टा है, उस खटास को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे चीनी, वो भी 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, और 1 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इन सारी चीजों को मिला लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए। अब बैटर को फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम इसमें एक छोटा सा बघार डालेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, तेल थोड़ा सा गर्म होते इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड यानी कि राई, इसी के साथ 1/2 टीस्पून सेसमे सीड्स यानी कि तिल, 1/4 टीस्पून हिंग और कुछ करी लीव्स चॉप किए हुए, ये 4 से 5 पत्ते होंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस बघार को डाल देंगे बैटर में और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुकिंग सोडा। बैटर में हमने छाछ डाला था तो हमें नींबू वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी खटास से ये एक्टिव हो जाएगा। और सोडा डालने के बाद अब अच्छे से इसे मिला लें। फ्रेंड्स, बैटर रेडी है हमारा हांडवे का। आज हम हांडवो बनाएंगे पैन में। आप चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में बनाओगे तो थोड़ा सा छोटा बनेगा लेकिन हांडवा बन जाएगा। इसे बनाने के लिए हम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, तेल थोड़ा सा गर्म होते इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सेसमी सीड्स यानी कि तिल। तिल थोड़ा सा फूटना ही स्टार्ट होता है तब हम इसमें डाल देंगे जो बैटर हमने तैयार किया था वो। और इसे ढककर हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, 10 मिनट जितना हो चुका है, एक बार हम अपने हांडवो को भी चेक कर लेते हैं। अब हम हांडवा को चेक कर लेते हैं, ये जब साइड से इस तरह से कुक हो जाए तब आप हल्के से इस तरह से साइड्स को रिलीज करें, इसे दूसरी प्लेट में निकाल लें। दूसरी प्लेट में इस तरह से ट्रांसफर करने के बाद हम इसे फिर से पैन में पलट देंगे जिससे ये दोनों साइड से कुक हो जाएगा। इसे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है और साइड्स में फिर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे जिससे ये नीचे से थोड़ा सा कुक हो जाए, और इसे ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए और फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे जिससे ये अच्छे से कुक हो जाए। फ्रेंड्स, एक बार हम अपना हांडवो चेक कर लेते हैं, एकदम क्लीन आ रहा है यानी कि नीचे से भी एकदम पक चुका है और साइड से भी आप चेक कर लें, ये एकदम अच्छे से कुक हो चुका होगा। ये नीचे से भी इस तरह से जब ब्राउन हो जाए तब आप गैस को बंद कर दें और हांडवो को निकालने से। अब जो हांडवा हमने बनाया था उसे हम निकाल लेंगे। मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट, डेलिकेट और यमी बना है। और जो हमने क्वांटिटी बैटर की बनाई थी उसमें इस तरह के 2 हांडवा बनेगा जो 3 से 4 लोगों के लिए इनफ है।
इसे आप सर्व कर सकते हो दही और चटनी के साथ। तो होपफुली फ्रेंड्स आज का ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल प्योर रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।